पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में बिहार की राजधानी पटना में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में ममता बनर्जी के खिलाफ खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। हम लोग ममता जी का पुतला दहन इसलिए किए हैं कि वो एक नारी है और नारी का सम्मान करना नहीं जानती है। उसमें नारी का कोई गुण नहीं है, नारी का कोई संस्कार नहीं है। वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई है, उसको सोचना चाहिए कि हम एक जिम्मेवार पद पे है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये देख करके उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सारे देश में पूरे भारत में कमल खिला रही है। वो किसी तरह से कोई भी अतिक्रम करके, अत्याचार करके, मर्डर करके किसी भी तरह से चाहती है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में हम कमल नहीं खिलने दें। लेकिन हम लोग का भी जीत है, क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत अच्छा काम करती है महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, दीन दुखियों के लिए, असहायों के लिए काम करती है। और बंगाल में हमेशा से अत्याचार हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ हम कमर खिलाएं। लेकिन ममता बनर्जी जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, विजय वर्गीय जी होते हैं वहाँ के राष्ट्रीय महामंत्री, उस पर वो हत्या कराती है, अमर आकर्मक तेवर दिखलाती है। उसका यह तेवर बर्दाश्त नहीं है, वो किसी को मर्डर करके चाहेगी कि बंगाल में हम शासन कर ले और राज कर ले। उसके उसका शासन व्यवस्था भी चनमराया हुआ है, उसके हाथ से शासन व्यवस्था भी निकल गया हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं ममता हटाओ, कमल खिलाओ।